वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरप्पा मोइली के बयान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वीरप्पा मोइली ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी युग के बाद बिखराव हो जाएगा, भाजपा और अन्य दल आते जाते रहेंगे लेकिन कांग्रेस हमेशा बनी रहेगी। उन्होंने पार्टी के नेताओं से सब्र रखने और एकजुट बने रहने के लिए कहा। हालांकि 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। इस बयान पर बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री शशांक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अब तक 40 चुनाव हार चुकी है, कांग्रेस को मंथन करना चाहिए और बीजेपी पार्टी हमेशा रहेगी। बीजेपी के युवा मोर्चा जिला मंत्री शशांक शर्मा ने कहा कि 2023 के अंत तक कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो जाएगा, पूरा भारत कांग्रेस मुक्त होगा। देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को सराहा है और कांग्रेस का लगातार पतन हो रहा है। आने वाले समय में देश के सभी राज्यों से कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो जाएगी। एक बयान दिया है कि मोदी युग के बाद बीजेपी बिखर जाएगी और कांग्रेस हमेशा रहने वाली पार्टी है। अरे, उनको तो खुद स्वयं अपनी पार्टी में चिंता करनी चाहिए। 2014 से और अब तक कांग्रेस पार्टी 40 चुनाव इस पूरे देश में हार चुकी है। उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी जो कि पूरे देश में सब जगह पार्टी हुआ करती थी, आज उसकी स्थिति ये है कि मैं यहाँ आपसे चैनल के माध्यम से ये भविष्यवाणी करना चाहता हूँ कि 2023 के अंत तक कांग्रेस मुक्त पूरा भारत हो जाएगा। जो कुछ बचा है वो भी शेष नहीं रहेगा। अपनी पार्टी में चिंतन करें, अपनी पार्टी को मजबूत करें, हमारी चिंता ना करें। हम तो जब से भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, जब से हमारी 2 सीट हुआ करती थी, जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी का निरंतर कार्यकर्ता, आज वो परिश्रम जो उसने इतने साल किया उसका नतीजा कि भारतीय जनता पार्टी आज देश में सब जगह विद्यमान है। और ऐसे नरेंद्र मोदी जैसी नेतृत्व समय समय पर निकलते आए। अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार है, बहुत अच्छी तरीके से अटल बिहारी जी ने सरकार चलाई, उसके बाद अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो बहुत अच्छे से चला रही है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आगे और भी विकल्प मिलते रहेंगे। अपनी चिंता करें, हमारी चिंता ना करें।